हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आपको थंबनेल दिख रहा होगा, मेरा आज मैंने जो वीडियो बनाया है वो UP SSSC लोअर टू इंटरव्यू के लिए बनाया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लोअर टू का भी इंटरव्यू जो है आगे जो है स्टेनोग्राफर के इंटरव्यू के बाद से होने वाला है। और अभी जो है स्टेनोग्राफर 2016 वाले बच्चों के इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों की ऐसी क्वेरी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी क्वेरी है कि लोअर टू का जो डिपार्टमेंट है, जो पोस्ट्स हैं, उनके बारे में उन्हें अभी पता नहीं है, उन्हें याद नहीं है और क्या क्या पढ़ना है और प्रिपरेशन कराने को बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिपार्टमेंट और पोस्ट के बारे में और क्या क्या पढ़ना है, इसकी थोड़ी सी बेसिक चीज़ें जो कि आपका जो पहले जो है आपका, आप देखते होंगे UPSSC के थ्रू भी जो है इंटरव्यूज़ होते आए हैं। अगर हम बात करें कि UP SSSC की, तो कैसे इंटरव्यू जो है हमारे UP SSSC में होते आए हैं, तो उसी तरह के इंटरव्यू की प्रिपरेशन हमें इसमें भी करनी है। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि UP SSSC स्टेनोग्राफर के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, इसके सारे टॉपिक्स, जो भी क्वेश्चंस जो है कराए जा रहे हैं, वो सभी मेरे चैनल पर आपको अवेलेबल हैं। ठीक है, इसको भी आप साथ में देखते चले क्योंकि ये चीज़ भी आपकी कवर होती रहेगी, ओके, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो शायद अपना फॉर्म जो है भूल गए हैं या फिर उन्हें याद नहीं है कि उन्होंने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। तो बता दे रही हूँ आपको, देखिए डिपार्टमेंट है इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। पोस्ट इसमें क्या क्या है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिस उर्दू, उसके बाद से है रीजनल एग्जीबिशन ऑफिसर, उसके बाद से जो डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन कानपुर, इसमें जो पोस्ट है वो लाइब्रेरियन की है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट है वो है हैंडीकैप डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लखनऊ, इसमें जो पोस्ट है वो लाइब्रेरियन की है, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की है, और उसके बाद से प्रूफ रीडर की है, फिर है मोबिलिटी टीचर की। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट लखनऊ, इसमें देखिए पोस्ट क्या क्या है, लाइब्रेरियन की है, असिस्टेंट स्टोर कीपर की है, फिर आती है बात डिपार्टमेंट की वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट लखनऊ, और इसमें जो पोस्ट है वो इंस्पेक्टर वेट एंड मेजरमेंट साइंस की। नेक्स्ट आती है बात डिपार्टमेंट आर्थिक बोध एंड सांख्य निदेशक लखनऊ, इसमें जो पोस्ट है वो आर्टिस्ट की है। फिर आती है बात नेक्स्ट वेमेन वेलफेयर लखनऊ, इसमें जो पोस्ट है वो इन्वेस्टिगेटर की है, फिजिकल इंस्ट्रक्टर की है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट ऑब्जर्वेटिव हाउस बल्ब सदन की है, इसके बाद से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट गवर्नमेंट गर्ल्स प्रोटेक्शन होम की है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट वुमेन शेल्टर एडमिशन सेंटर। इसके बाद से आती है बात डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग डिवीज़न स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ, इसमें जो पोस्ट है वो है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। और फिर आती है बात हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग लखनऊ की, तो इसमें जो पोस्ट है वो है सुपरवाइज़र ग्रेड 3। इसके बाद से आती है बात स्टेट प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट जवाहर भवन लखनऊ, इसमें जो पोस्ट है वो है टेक्निकल सुपरवाइज़र की। फिर UP खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज़ बोर्ड लखनऊ की आती है बात, तो इसमें जो पोस्ट है वो है इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सुपरवाइज़र की। नेक्स्ट आती है बात फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी उत्तर प्रदेश, इसमें जो पोस्ट है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट फिजिक्स की। फिर आती है बात लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिस्ट्री, फिर आती है बात लेबोरेटरी असिस्टेंट बायोलॉजी, फिर आती है बात लेबोरेटरी असिस्टेंट कंप्यूटर फॉरेंसिक्स। नेक्स्ट आती है बात डायरेक्टर सोशल वेलफेयर UP लखनऊ, इसमें जो पोस्ट है वो है हॉस्टल असिस्टेंट, प्रीवियस पोस्ट नेम गृह माता ओनली फॉर वुमेन। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको UP SSSC लोअर टू का इंटरव्यू देने का मौका मिला है, तो उनसे बस मेरा यही कहना है कि ये जो पोस्ट है और जिस अकॉर्डिंग आपने जो है पोस्ट अपना जो है दिया हुआ है, अपना एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आपने अपनी जो पोस्ट वहाँ पर चूज़ की है, तो जितने भी पोस्ट आपने दिए होंगे वहाँ पर या फिर जिस पोस्ट के लिए आप जो हैं जाना चाहते हैं, तो उन पोस्ट को पहले तो इस पोस्ट को अच्छी तरह से समझ लें और पोस्ट के जो वर्क होते हैं, ठीक है ना, कि किस किस डिपार्टमेंट में कौन कौन सा वर्क होता है, क्या क्या उसके कार्य हैं, तो ये सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से पहले समझ लें और इन सब चीज़ों को भी पता कर लें। क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपसे ये सब भी पूछा जाता है। तो जैसे अगर अभी आप देख रहे हो कि स्टेनोग्राफर का इंटरव्यू चल रहा है, तो वहाँ पर भी पूछ दे रहे हैं कि स्टेनोग्राफर का कार्य क्या है, तो वैसे ही आप भी जो है, जो आपके डिपार्टमेंट हैं, जो आपके पोस्ट्स हैं, इनके बारे में अच्छे से पहले पता कर लें, इन सब चीज़ों को पहले जान लें। और बाकी जो UP SSSC स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन हो रही है, इसी के साथ साथ अपनी भी प्रिपरेशन आप करते रहें।
यूपी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, प्लस जो करंट में अभी बताया जा रहा है वो सब चीज़ें भी जो है आप अच्छे से तैयार करते हुए चलें। बाकी जैसे जैसे जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस मुझे मिलते जाएंगे, वैसे वैसे मैं यहाँ पे आपको अपडेट करती रहूँगी। सो आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं आपका आंसर करने का पूरा कोशिश करूँगी। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।